तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या आपका भी सैमसंग का फोन लॉक हो गया है और आपसे गलती से पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक भूल गए हो। चाहे आपका फ्रेंड का हो या फैमिली का हो या गर्लफ्रेंड का हो या अनदर कोई भी पर्सन का हो। फ्रेंड, अगर आपका सैमसंग का हैंडसेट लॉक हो जाता है और आप अपने सैमसंग को अनलॉक नहीं कर पाते हो, इसे किस तरह से अनलॉक किया जाता है, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको ना एक रुपया खर्च होगा और ना ही डाटा डिलीट होगा। आपको मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हमारे सर्विस सेंटर वाले हमारे सैमसंग में लगे हुए स्क्रीन लॉक को कैसे अनलॉक करते हैं। चाहे आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन का मॉडल क्यों ना हो, चाहे 3G फ़ोन हो सैमसंग का, 4G हो या 5G हो, सैमसंग का ऑल एंड्रॉयड मॉडल आप घर बैठे ही अनलॉक कर सकते हो। अगर आपसे गलती से आपका सैमसंग का हैंडसेट लॉक हो गया है तो पिन पैटर्न पासवर्ड। तो फ्रेंड, अक्सर हमारा फ़ोन लॉक हो जाने के बाद हम यहाँ पे भाई रॉन्ग पासवर्ड यूज करने लगते हैं, बहुत सारा रॉन्ग पासवर्ड यूज करने लगते हैं जब तक हमारे यहाँ पे टाइम शो होने नहीं लगता तब तक। तो फ्रेंड, हमें ये गलती पहला नहीं करना है। आइए आपको मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। अगर हमारे वीडियो में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, हमें हमारे सैमसंग में लगे हुए लॉक स्क्रीन को कैसे अनलॉक किया जाता है, पहला वर्क मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेना है और अपने फ़ोन में से सिम कार्ड को निकाल लेना, नहीं तो एयरप्लेन मोड को ओपन कर लेना। एंड देन इसके बाद आप अपने बैटरी को 50% से प्लस ही रखना होगा, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद आप लोग आ जाइएगा लॉक स्क्रीन पेज पे और आपको सिंपली एक ऑप्शन दिखेगा इमरजेंसी कॉल का। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक कोड डायल करना है सर्विस सेंटर का, ठीक है ना। तो वो कोड कौन सा है, क्या है, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। *5821888*0*0#8#, ये कोड को आप लोग अपने सैमसंग के हैंडसेट पे कॉपी कर ले, ठीक है ना। तो ध्यान से एक बार मिला लीजिएगा, आपका कोई भी अंक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है इस कोड को। कैसे करेंगे, कॉल वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, कॉल पे हम क्लिक करेंगे, हमारे स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आया, आपको यहाँ पे ओके करना होगा और इस कोड को इरेज कर लेना होगा। इतना वर्क करने के बाद हमें यहाँ पे मास्टर अनलॉकिंग कोड अप्लाई करना होगा, *8899#। ये कोड को डायल करते ही हमारा इंजीनियर मोड का फाइल जो होता है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है, ध्यान से यूज कीजिएगा। आपको क्या करना है, 4 नंबर का ऑप्शन यूज करना है मैनुअल टेस्ट का। क्लिक करेंगे, सेकेंड नंबर डिवाइस पे हम लोग आएंगे और जायरोस्कोप को खोजेंगे, इस पर क्लिक करके ग्राफ को ओपन कर देंगे और यहाँ पे बीच वाला लाइन क्रॉस हो जाने के बाद हमें यहाँ पे 5 सेकेंड वेट करना होगा। यहाँ पे 5 सेकेंड के अंदर ही हमारा सैमसंग का हैंडसेट जो है वो अनलॉक हो जाएगा। इसे फिर बैक करेंगे, नीचे आएंगे, एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा टेस्ट सक्सेसफुल आ जाता है। होम बटन को क्लिक कर देंगे, हमारा सैमसंग का हैंडसेट जो है वो अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।